सीएम धामी ने बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित 18वें धार्मिक महाआयोजन में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विनोद नगर वार्ड स्थित बद्रीनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्रीराम कथा के 18वें धार्मिक महाआयोजन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रीराम कथा सुनी। श्रीराम कथा का वाचन भगवताचार्य डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी द्वारा किया गया। देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार आए दिन तमाम तरह की नई नई योजनाएं बना रही है, और इतना ही नहीं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी भी जहां बेहद संजीदा नजर आते हैं, तो वहीं रुड़की शहर में लाखों रुपए की पॉलिथीन का जखीरा अवैध तरीके से एक मकान में चल रहा था, जिसे GST की टीम ने बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक GST विभाग को यह सूचना मिली थी और फिर GST विभाग ने छापा मारकर सरकार के खाते में लाखों रुपये का जुर्माना वसूल कर आय में बढ़ोतरी कर डाली। GST विभाग के द्वारा कार्रवाई की सूचना जैसे ही नगर निगम के अधिकारियों को लगी, तो वह भी मौके पर पहुंच गए। प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं, तो जैसे आता है तो हम इसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है वोट केसेज और हिसाब में, तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पर। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है, हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों मूल निवास और भू कानून का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कई संगठनों व दलों के लोगों ने राजधानी देहरादून में महारैली निकाली थी। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिक के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है, और इससे पहले CS की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ACS राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार उत्तराखंड के लोगों के हित में फैसला लेगी। निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है, और इससे पहले भी जो हमारे जो CS रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो ACS हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना ज़रूर है कि लोगों को सरकार पे विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नागपुर से महारैली का आगाज कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ने इस थीम का नाम तैयार हैं हम रखा है। इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी प्रतिभाग किया। इस रैली का आयोजन करने में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की इस रैली के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। इस रैली में उत्तराखंड से कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस की इस रैली का आयोजन 138वें स्थापना दिवस के मौके पर किया गया। कांग्रेस कितनी तैयार है पूरा देश ने देखा है और देख रहा है। अब देख लेते हैं उनकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अप्रैल मई में सब सामने आ जाएगा। और ठीक है, वो भी एक राजनीतिक दल है, वो अपने प्रयास तो करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी उनके प्रयास दिखाई नहीं पड़ते हैं।